दरवाजे तक पहुंचा दूंगा। मगर मेरा कहना यही है, जो आगे पंचायत इलेक्शन होने वाला है उसमें मेरा पंच भी बनना चाहिए और सरपंच भी बनना चाहिए। लाते ये सब हल हुआ है, मगर बदकिस्मत हमें और वही जो आज से सत्र, आपने उस टाइम सही इंसान चुना होता तो आज इतनी कंप्लेंट्स नहीं होती। इसके साथ हमने जहन की इसलिए कि मैं ये कहता हूँ हमारा जो पंच हो चाहे सरपंच हो किसे नहीं हमारे लगाना चाहिए और देखना चाहिए कि जो पंच है या सरपंच साहिबान है ये क्या है एज पर रूल काम करते कि नहीं करते। अगर इस वार्ड में रोड का जरूरत है वो रोड बना क्यों, अगर इसमें फुटपाथ का जरूरत है क्यों नहीं बना, मगर यहाँ ऐसे इन्होंने खड़े कर रखे है क्योंकि जो रिश्वत सितानी हो रखी है। मैं इसमें हिचकी चाहूंगा नहीं है, मैं ये कहूंगा कि वीडियो से लेकर नीचे तक सब रिश्वत खोर है, इधर जितने भी अफसर है सब रिश्वत खोर है। जो पंच जाता है पंच जो है पहले से VLW से लेकर रिश्वत देना शुरू करता है, चल तेरे को 2000 तेरे को 3000 तेरे को 4000 और अपने रिश्तेदारों को काम देते हैं। जितने भी यहाँ आज काम हुए सब उन्होंने अपने रिश्तेदारों को दिया है, गरीब आदमी के पास कोई काम नहीं पहुंचा। ST वालों को फर्स्ट प्रायोरिटी में इनके लिए IAY सेड्स है, किसी बेचारे ST वाले को IAY सेड नहीं मिला है, वो भी मिला है उनके रिश्तेदारों को। मैं आपके माध्यम से लोग BDO साहब क्या है ACD साहब को DC साहब को ये कहना चाहूंगा कि फर्स्ट प्रायोरिटी में जो भी काम हो जो ST पॉपुलेशन को मिलना चाहिए, जिनके लिए गवर्नमेंट इतना कुछ कर रहा तो आप क्यों नहीं कर रहे हो, आप विजिट क्यों नहीं कर रहे हो। वीडियो का काम है कामों को देखना, काम पर आ जाए JEE आता है JEE 5000 रुपए जेब में डाल के चला जाता है और काम मिलता है रिश्तेदारों को, जो पांच है जो उसके रिश्तेदार है उनको काम देगा जो गरीब है। इसलिए आप लोग जाग जाओ, ये आपकी ड्यूटी है। मैं अकेला आ जाया, मैंने आपको बता दिया मैं अकेला कुछ नहीं करूंगा, जब आपका मदद मेरे साथ होगा आप मेरा साथ दोगे और मैं गवर्नर तक लड़ूंगा और गवर्नर से आपका हक लेके आ जाऊंगा। सच्चाई आगे ले जाइए, झूठ ज्यादा टाइम नहीं रह सकता है, सच्चाई के सामने झूठ नहीं टिक सकता है। मैंने पहले जो यहां पे मीटिंग की मैंने एक वादा आपके माध्यम से इस आवाम की खिदमत करूं, आप मुझे मौका दीजिए, जो मेरे अभी छोटे भाई ने कहा था यहां पे आपके अंदर कितने ताकत है कितने मजबूती है, जो आप ये मजबूती और किसी को दे रहा है तो वो पावरफुल बन जाता है, मगर आपके साथ फिर वही धोखा। ये मेरे भाई ने यहां पे कहा था नजीर साहब ने, हम 70 साल से वोट दे रहे हैं मगर फायदा कुछ भी नहीं आया, आपने आज अजमाया फयाज साहब, यह मैं वादा करता हूं अगर आप जुड़े रहिए इन चालबाजों की बातों में मत आ जाइए, अगर आप एक बार अजमा के देखिए, एक बार 5 साल से पूरे दुनिया तो नहीं बदल जाता, एक बार आप देख लीजिए अपने फयाज साहब को कामयाब कीजिए। मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ फिर वादा करता हूँ आपका जो हक होगा वो मैं आपके दरवाजे तक पहुंचा। चलो चलो जी चलो किसी भी नाम बुला
नहीं उसको भी हो आपको ये आपको जनाब आपको पता हमें पता उनको तो हक बनता है। इन्होंने 70 सालों से वोट दिया, इनको मिला ही क्या है। मैं इस वैली का रहने वाला हूँ, मैं यहाँ ही का हूँ। तो इन लोगों ने डिमांड की फया साहब आप यहाँ तक आ जाए, तो मेरी तरफ से अभी तो कुछ भी नहीं है। तो थोड़ा सा मैंने आज कमल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे किया है। इंशाल्लाह ताला जो इनका हक बनता है मैं इनके घर तक पहुंचा दूंगा नेक्स्ट टाइम। आज तो मैं इनको भी गुजारिश करता हूँ, सब लोग आइए अपनी पार्टी के साथ मिलिए। इंशाल्लाह ताला ये बहुत अच्छी पार्टी है, ये सच्चाई के राह पे चल रहा है, ये सच बताते हैं और गरीबों के साथ साथ चलता है। तो मैं यही कोशिश करूंगा जम्मू कश्मीर के आवाम को अपनी पार्टी से आप जुड़िए, सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी के साथ आप जुड़िए। वो सच्चा एक इंसान है जिन्होंने आज तक सच भी कहा और सच पे के राह पे चल रहा है। तो मैं दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को भी अपील करता हूँ, आप आइए आज नए कैंडिडेट को आजमा लीजिए। इंशाल्लाह ताला जो आपके मसले अभी तक हल नहीं हुई, इंशाल्लाह ताला वो हल हो जाएंगे। शुक्रिया।